उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारी स्क्रीन में दिख रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण हैं उनको लोकनायक कहा जाता था, तो इनको एक लोकनायक की भी इनको उपाधि दी गई है। इसके अलावा ये जो है राष्ट्रीय आंदोलनकारी रहे हैं, सामाजिक इन्होंने जो है सामाजिक सुधारक भी इनको की भी इनको उपाधि दी जाती है। आज का जो हमारा चर्चा के जो विभिन्न विषय हैं उनमें शामिल है, पहले हम जेपी नारायण के जीवन परिचय पर बात करेंगे, इसके बाद उनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, राजनीतिक विचार, उन पर चर्चा की जाएगी। भूदान आंदोलन को लेकर इनका क्या विचार था, और जो जैसे कि लास्ट में हम बात करेंगे इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिकल व्यू है, टोटल रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, इस पर हम बात करेंगे। जब भी हम जेपी नारायण का नाम सुनते हैं तो उसको जो इजीली कनेक्ट किया जाता है वो संपूर्ण क्रांति के साथ किया जाता है। कैसे बिहार के जो युवा थे उनके साथ मिलकर उन्होंने जो है ऑपरेशन के और सप्रेशन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनके इंट्रोडक्शन से। जेपी नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इसके बाद ये ग्रेजुएशन के लिए यूएसए चले गए थे। ग्रेजुएशन इन्होंने लगभग 1922 के दौरान किया। वहाँ से जब ये वापस आए 1929 में वापस आए, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने अपना भूमिका निभाई 1930 में। इसके बाद अगर हम इनके जीवन पे बात करें तो इनको जो है ये रामन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है 1965 में। भारत रत्न इनको 1999 में मिला। इसके अलावा इनकी जो बायोग्राफी है वो इनके मित्र, हिंदी साहित्य से संबंध जो मित्र रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके द्वारा इनकी जो है बायोग्राफी लिखी गई थी। इनके जो फेमस वर्क हैं वो है वाई सोशलिज्म, 1936 में जो पब्लिश हुई थी। वाई सोशलिज्म में उन्होंने जो है उनका जो विचार समाजवाद को लेकर था उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। दूसरी जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, अ प्ले फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो 1959 में पब्लिश हुई थी। और ये जो बुक है इनकी, अ प्ले फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जनरली इंडियन पॉलिटी के स्ट्रक्चर को लेकर है। एक और जो इम्पोर्टेंट बुक है, कम्युनिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायती राज, जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। प्रिजन डायरी 1975, ये जब ये प्रिजन में थे उस दौरान इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन 1978। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ जेपी नारायण। तो जेपी नारायण के जो राजनीतिक विचार थे उनमें जो शामिल है समाजवाद, सोशलिज्म जिसे कहते हैं हिंदी में, सर्वोदय और नेशनलिज्म, मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड टोटल रिवॉल्यूशन, तो ये जो है उनके राजनीतिक विचार थे। अब इन्हीं राजनीतिक विचारों को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो सोशलिज्म की बात करते हैं तो सोशलिज्म जो है उनका सोशलिज्म कैसे जो है बाकी जो मतलब जो सोशलिज्म था उससे अलग, उनका किस प्रकार उनका सोशलिज्म अलग था। टोटल रिवॉल्यूशन की जो उनका विचार है उसमें क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है, ये विचार उनके द्वारा अगर दिया गया तो उससे मतलब वो उनके द्वारा ये विचार क्यों दिया गया, तो आज हम इस पर बात करेंगे। सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवाद के कहा जा सकता है कि एक महान प्रतिपादक और समर्थक रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्होंने अपनी बुक वाई सोशलिज्म में उन्होंने समाजवाद को लेकर अपने विचार दिए हैं। उनका ये मानना था कि हमारे समाज में जो आर्थिक विषमता है और संसाधनों का जो व्यक्तिगत जो आधिपत्य है वो जो है समाज में बहुत जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका रूट कॉज है, मतलब कि सबसे बड़ा कारण ही समाज में अगर विभिन्न समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का मूल जो कारण है वो आर्थिक विषमता
और जो भी हमारी ओनरशिप है वो संसाधनों को लेकर, जो भी हमारी ओनरशिप है वो कुछ ही लोगों तक सीमित होने के कारण ये जो है इस तरह की समस्याएं हमारे समाज में हैं। तो उनका ये मानना था कि अगर हमें जब तक कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जैसे कि हमारे संसाधन जो है सभी लोगों को जब तक नहीं बांटे जाएंगे, संसाधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार नहीं होगा, तब तक जो है समाज में जो है समानता नहीं आ पाएगी और जो विभिन्न समस्याएं इन इन कारणों से पैदा हो रही हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वो आगे कहते हैं, ही फर्दर सेड मेयर नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज विल नॉट इस्टेब्लिश द सोशलिज्म बिकॉज इट विल स्ट्रेंथन द ब्यूरोक्रेसी एंड प्रमोट द टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, हैंस ही प्रपोज द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन सोशलिज्म। उनका ये मानना था कि मात्र अगर हम जो है इंडस्ट्रीज़ का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो इसी से जो है समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। इससे बल्कि क्या होगा कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो भी केंद्रीकरण की जो टेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। उनका उनका जो मत था इसको लेकर वो ये था कि यदि औद्योगिकरण का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, जितने भी हमारे मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं अगर उनका नेशनलाइजेशन किया जाएगा तो इससे समाजवाद की स्थापना नहीं होगी बल्कि एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, ब्यूरोक्रेसी के पास और ज़्यादा राइट होंगे और साथ ही साथ जो सेंट्रलाइजेशन की, जो केंद्रीकरण की जो हमारी टेंडेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि जेपी नारायण जो हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, उनका मानना है जैसे कि वो विलेज ऑटोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, तो उनका जो फोकस रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे रहा है। सम ऑफ हिज आइडियाज़ फॉर रिमूविंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब जैसे कि हमने जब वो सोशलिज्म की बात करते हैं तो उनका फोकस जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे रहता है, मतलब कि आर्थिक विषमता पर। अब आर्थिक विषमता को उन्होंने अगर रूट कॉज बताया है अपने सोशल जो हमारी प्रॉब्लम्स का, तो उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ आइडियाज़ भी सजेस्ट किए हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल रिमूव इट्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब कि जो भी हमारे लघु उद्योग हैं वहाँ पर अगर उनका अगर विकेंद्रीकरण हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा कि जो आर्थिक विषमता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है और ख़त्म होगी। डिसेंट्रलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, उनका ये मानना था कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दिया था। बाय प्रमोटिंग गवर्नमेंट लोन एंड मार्केट सिस्टम इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल सेव द लैंड कल्टिवेटर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ साहूकार एंड अदर बिजनेसमैन। तो इस तरह से जो है सरकारी लोन और मार्केट सिस्टम, जो कि जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर वहाँ पर ऐसे सरकारी लोन हो और एक मार्केट सिस्टम हो जिससे कि जो हमारे कल्टीवेटर हैं हम उनको जिस तरह से जो साहूकार हैं उनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं उससे उनको जो है बचाया जा सकता है। ही ऑल्सो सजेस्टेड द एथिकल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। और उनका ये मानना था कि जब तक कि हमारे सोसाइटी का जो वर्कर है, हमारे किसान हैं और पुअर जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, ये इन सभी वर्गों के अंदर जब तक कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, तब तक जो है समाज में जो है तब तक जो है पहले तो हम फॉरेन जो स्लेवरी का जो हम शिकार हैं हम उससे नहीं उभर के आ सकते हैं। तो उनका जो मानना था कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है या क्लास कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास जो हमारा एलीट क्लास है सिर्फ उस
तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्से को इन सब चीज़ों के बारे में और उनके अंदर वो चेतना आना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है समाज ये एक जो है सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, तभी जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सकता है, और तभी जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की तो तभी समाज में इक्वालिटी आ पाएगी। तो समाज के जो विभिन्न जो वीकर सेक्शन है उनका उनके अंदर वो कॉन्शियसनेस आना ज़रूरी है। फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय, द आइडिया ऑफ सर्वोदय वॉज टेकन बाय महात्मा गांधी फ्रॉम रस्किन्स अनटू द लास्ट। ये जैसे कि हमने जब गांधी जी को भी पढ़ा तो उस दौरान भी हमने ये सर्वोदय के बारे में काफ़ी कि सर्वोदय क्या है इस थ्योरी के बारे में गांधी जी के अकॉर्डिंग सर्वोदय क्या था ये हमने जाना। और गांधी जी ने जो ये जो विचार है सर्वोदय का ये कहाँ से लिया, तो उनके द्वारा जो ये विचार है वो रस्किन की जो बुक है अनटू द लास्ट वहाँ से उनके द्वारा ये विचार लिया गया। गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसमें मतलब एक वो सर्वोदय को लेकर, वो सर्वोदय का मतलब क्या है कि सभी का उदय, मतलब सभी का विकास, सभी का कल्याण जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब हम कलेक्टिव वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल वेलफेयर भी आता है, मतलब कि कोई भी काम इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम उसे कलेक्टिव वेलफेयर के नाम पे कर रहे हैं और किसी इंडिविजुअल का उससे भी नुकसान हो रहा है। तो कलेक्टिव वेलफेयर के साथ साथ हमें इंडिविजुअल वेलफेयर और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो और साथ ही साथ जो उनका गांधी जी का मानना था कि काम चाहे कुछ भी हो, जो हम अभी जैसे गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार है उसमें वो इस तरह की बातें बोलते हैं कि एक तो कलेक्टिव वेलफेयर की बात करते हैं, वो इंडिविजुअल वेलफेयर की बात करते हैं, और वो बात करते हैं कि किस तरह से जो है सभी के काम को समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे काम किसी भी तरह का हो। जयप्रकाश नारायण बिलीव्ड दैट सर्वोदय इज़ अ मॉरल प्रोग्राम एंड अ लाइन ऑफ एक्शन फॉर कलेक्टिव वेलफेयर। तो जयप्रकाश नारायण का भी सर्वोदय को लेकर कुछ इसी प्रकार का विचार था कलेक्टिव वेलफेयर से संबंधित। सोशलिज्म टू सर्वोदय, ही वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस सोशलिज्म इन कांग्रेस। ही फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 विच वॉज सब्सिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम टू द कांग्रेस। तो इनका जो जो जे पी नारायण थे इनके द्वारा जो है सोशलिज्म का जो विचार है वो कांग्रेस को भी दिया गया। और 1934 में जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि इनके द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अच्छा इस पार्टी का रोल क्या था कांग्रेस में, तो इनका जो बेसिकली रोल था वो सामाजिक और आर्थिक जो भी कार्यक्रम हैं उनको जो है कांग्रेस को बताना, मतलब कि ये कि किस तरह से जो है उनका अगर हम किसी भी तरह के कार्यक्रम या पॉलिसीज़ पे बात कर रहे हैं या पॉलिसीज़ को हम लाना चाह रहे हैं, कैसे हम मतलब कि समाज में सामाजिक और आर्थिक जो विभिन्न प्रोग्राम हैं इनके माध्यम से जो है हम इक्वालिटी ला सकते हैं, तो उन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया कांग्रेस से इनकी पार्टी के द्वारा। As the time passed, he seriously studied the philosophy and the political ideas of Mahatma Gandhi. He was convinced that a spiritual foundation was required for a lasting peace. जैसे कि हम जे पी नारायण के बारे में जानते हैं कि वो जो है जब वो अमेरिका में थे तो वो मार्क्सिस्ट थे, और कैसे उनका जो है कैसे उनके अंदर ये इस तरह का बदलाव आया यहाँ इंडिया आने के बाद, वो उनका जो झुकाव है वो महात्मा गांधी के आइडियाज़, काफ़ी टाइम के बाद उनके आइडियाज़ पर और महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी उसमें उनका इंटरेस्ट आने लगा। और एक टाइम के बाद उनको ये लगा कि अगर हम लॉन्ग लास्टिंग पीस की बात करते हैं तो वो जो पीस है वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन से ही पॉसिबल है। He began to realize the value of individual freedom, equality and brotherhood which were in practice missing from communism. According to him, Gandhism taught us the method of satyagraha which brought freedom to India, and that Bhudan and Gramdan movement were bond to bring economic revolution and make our political freedom reality. तो जैसे उनका ये मानना है कि जो गांधी जी की जो गांधीज़म
और गांधी जी ने जो हमें सिखाया और उनका जो सत्याग्रह का जो विचार था और सत्याग्रह का जो उनका तरीका था, उसने जो है हमें फ्रीडम दिलाई है, इंडिया को उसने फ्रीडम दिलाई है। और साथ ही साथ जो भूदान और ग्रामदान का जो विचार है, उसने जो है हमारे हमें जो है इकोनॉमिक रिवोल्यू आर्थिक क्रांति उसके द्वारा संभव हुई। और जो हमारा राजनीतिक जो हमारी स्वतंत्रता थी, कहीं ना कहीं इसी से जो है वो वास्तविक रूप से संभव हो पाई। उनका जैसे कि उनका जो मोटिव था वो था कि इंडिया जो इंडियन जो हमारा सिस्टम है उसमें चेंज करके उनके द्वारा जो है विलेज ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। और उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हमें जो है जो हमारे गांव है, गांव स्तर से ही हमें गांव को हमें स्वायत्तता देनी चाहिए। उससे जो है एक स्तर के साथ हम चीज़ों को वो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं और समस्याएं हैं, जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही जो है समाज में जो विभिन्न और मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो पाएंगी। जयप्रकाश बी के जीवनदानी मीनिंग देयर बाय दैट ही डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द कॉज ऑफ देयर बाय दैट ही डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द कॉज ऑफ भूदान एंड ग्रामदान। जयप्रकाश जो है वो जीवनदानी बन गए थे। जीवनदानी का मतलब है कि उन्होंने जो भूदान आंदोलन था और ग्रामदान आंदोलन था उसके लिए अपने अपने पूरे जीवन को मतलब भेंट कर दिया था। वो लगातार इस डिवोट किया था, वो लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। उनका ये मानना था कि ये भूदान और ग्रामदान जो मूवमेंट है ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मतलब एक संरचनात्मक तकनीकें हैं, और एज वेल एज प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन टू इंडियाज़ प्रॉब्लम। इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व तभी हो पाएंगी जब हम उसी अपने देश की समस्याओं के अनुसार ही कुछ हम अपनी टेक्निक्स को खोजेंगे। तो उनका ये मानना था कि भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन है वही कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक प्रैक्टिकेबल, जिन्हें हम कहेंगे व्यवहारिक तौर पर जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान इन्हीं के माध्यम से होगा। उनकी डेमोक्रेसी को लेकर भी उनका फेथ था, पर जैसे कि हम जानते हैं वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। उनका डेमोक्रेसी का जो विचार है वो थोड़ा इसी वजह से थोड़ा अलग है। टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जो उनका विचार है, जयप्रकाश नारायण का जो जय इसको लेकर जो विचार रहा है वो कुछ इस तरह था कि जब 1974 के दौरान हमारे देश में जो करप्शन का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उस समय की जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थी वो कुछ इस प्रकार हो गई थी कि उनको जो है आकर इसका नेतृत्व करना पड़ा। इनका टोटल रिवॉल्यूशन, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन। He tried to dormant soul of Indian society and change the social structure by announcing the complete revolution. His entire revolution, social, political, cultural, theoretical, ideological, educational, spiritual, is a mixture of seven revolutions. तो इनका जो टोटल रिवॉल्यूशन था वो उसमें जो है सात तरह की क्रांतियां शामिल थीं, जिन्हें आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है इनकी राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति की ये बात करते हैं, सांस्कृतिक क्रांति की ये बात करते हैं, स्पिरिचुअल क्रांति की ये बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल क्रांति की ये बात करते हैं, एजुकेशनल क्रांति की बात करते हैं, शैक्षिक क्रांति की बात करते हैं। तो इनके द्वारा जो है सात प्रकार की क्रांति बताई गई थी। तो ये आज हमने जो है ये टोटल रिवॉल्यूशन जो है इनकी सात क्रांतियों को हमने समझा है, इन्होंने किन किन क्रांति पे की बात की थी। इसके अलावा इनका जो समाजवाद का विचार है उसको हमने समझा है, और इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे लगभग वो सभी को आज हम कवर कर चुके हैं और इनको हमने समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद।